पेंचकसिलाट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पेंचकसिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का समापन बैडमिंटन हॉल पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। प्रदेश पेंचकसिलाट एसोसिएशन के महासचिव जोगिंदर सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी नरेश ठाकुर ने शिरकत की। पेंचकसिलाट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के महासचिव जोगिंदर सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर के 120 खिलाड़ी लड़के और लड़कियों ने सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग ट्रेनिंग इवेंट में भाग लिया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति राम सिंह चौहान, अमीचंद, कमलेश ठाकुर और प्रदेश पेंचकसिलाट एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल चौहान, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, संयुक्त सचिव ब्रिजलाल चौहान आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को बताया कि हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी विशेष महत्व है। खेल से शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास बढ़ता है। पेंचकसिलाट मार्शल आर्ट आत्मरक्षा की कला के साथ साथ खेल के रूप में भी खेला जाता है। मार्शल आर्ट हमें अनुशासन सिखाता है और नशाखोरी आदि अन्य सामाजिक बुराइयों से हमें दूर रहने में सहायता करता है। पेंचकसिलाट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा बैडमिंटन हॉल पटल में 2 दिवसीय पेंचकसिलाट मार्शल आर्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के मुकाबले करवाए गए। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि लगभग 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मंडी जिला ने पहला स्थान, बिलासपुर जिला ने दूसरा स्थान और कांगड़ा जिला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ASP मंडी श्री आशीष शर्मा जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी मंडी श्री नरेश ठाकुर जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पदक बनाकर सम्मानित किया। मैं पेंचकसिलाट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से जिला खेल विभाग, जिला प्रशासन और हमारे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ऑफिशियल का धन्यवाद करता हूँ। इनके सहयोग से हम इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सफल हो सके।